इसकी इरावत की है इसमें अल्लाह इज़्ज़त ने हज़रत लकमैन की वो नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी उनका तज़क़रा है और यकीनन ये वालदे के लिए ये सूरत बहुत अहमियत की हामल है कि इसमें हम इसका मताल करके इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ कर हम बहसीत वालदान अपने बच्चों को ये नसीहत अगर करें तो बच्चों को ये नसीहतें बहुत ही कारमंद पैदा होंगी उन नसीहतों में से एक जो नसीहत उन्होंने की है वो ये है कि अपनी चाल में एतदाल पैदा रखना अब ये एतदाल ये म्याा रवि है और म्याा रवि क्या है कि इंसान <PCAP> अपनी ज़िंदगी के मामलात में दरमिया राह इख्तियार करे जब हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में दरमिया राह इख्तियार करते हैं इसको म्याा रवि कहते हैं और म्याा रवि का दूसरा नाम एतदाल पसंदी है और इस्लाम एक ऐसा दीन है जो एतदाल पसंद दीन है और अगर हम अपनी ज़िंदगी के जो मामल हैं ज़िंदगी के मुख्त पहलू हैं उनका अगर हम उनकी तरफ नज़र दुराएँ तो हमें इस्लाम की एतदाल पसंदी व नज़र आएगी हमारी जिंदगी का एक पहलू वो मजहबी पहलू है उसका तलक़ इबादत से है अगर हम इबादत की तरफ़ देखें इबादत की तरफ नज़र दुराएँ तो हमें वहाँ एतदाल पसंदी नज़र आएगी इबादत का तरीक़ाकार इबाद के औकात और उन उनके जो इबादत हैं उनमें हमें मियाना रवि और एक एतदाल पसंदी की नज़र और झलक नज़र आएगी जैसे हज है बहुत अजीम इबादत है लेकिन इस्लाम ने दरमियानी राह ये इख्तियार की है कि हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस है नमाज है नमाज का जो तरीक़ा है और नमाज पढ़ने का जो तरीक़ाकार है इसमें भी इस्लाम नेतदाल और म्यारवी का रास्ता इख्तियार किया है कि अगर इंसान सेहतमंद है वो खड़ा होकर पड़ेगा अब अगर एक इंसान उम्र है वो खड़ा नहीं हो सकता वो बैठ कर पड़ेगा और अगर एक इंसान इतना उम्र है कि वो बैठ नहीं सकता उसके लिए दरमिया राय इख्तियार की गई है कि वो लेट कर पड़ने यानी इस्लाम ने कोई भी ऐसी मशक्क़त किसी शख्स पर नहीं डाली है जिसका वो उठा नहीं सकता वो भार या वज़न वो उठा नहीं सकता बल्कि एक दरमिया राह इख्तियार करके लोगों के लिए इसमें आसानियाँ पैदा की हैं रसूल अक्रम सम के ज़माने में कुछ साहबाई कराम ने अपने ऊपर नमाज़ों को रोज़ों को फ़र्ज़ कर लिया और हर वक्त नमाज़ें और रोज़े ही अदा करते रहते तो रसूल अक्रम सल्ला को जब उनके इस अमल का पता चला फरमाया कि नमाज भी पढ़ो और अपनी जो ज़िंदगी के मामलात है वो भी गुजारो तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे बीवी बच्चों पर तुम्हारा हक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ तहज्जुद भी पढ़ता हूँ आराम भी करता हूँ मैं रोज़े भी रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ और मैं तुम से तुम सबसे अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हूँ तो इस हदीस मुबारक से हमें एक इतदाल पसंदी का एक दरमिनी राह का पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने के लोगों के लिए कैसे आसानियाँ पैदा की हैं और अल्लाह के नबी सल व्ल् के अतद आप की फर्माबरदारी ही म्यान रवि है इतदाल पसंदी है इसमें मुशक्कत नहीं है जब इंसान म्यांरवी से इतदाल पसंदी से निकलता है उसकी हद क्रॉस करता है तो वह इंतहा पसंदी को पहुँच जाता है इस तरह हमारे जो माशरती मामलात हैं इसमें भी हमें महना रवी और अतदाल पसंदी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि हम लोगों से गुफ्तु कैसे करनी है किसी से ऊँचा नहीं बोलना बड़ा है उससे कैसे गुफ्तु करनी है इस तरह माशरे में रहते हुए खुशी गमी ये भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है उसमें क्या करना है कि अगर खुशी आए तो आपसे बाहर नहीं होना गमी आए तो सब्र का जो दामिन है वह नहीं छोड़ना यह अतदाल पसंदी है लोगों के साथ अच्छा सलूक करना उनकी खैर खही करना और फिर लोगों के साथ जो जिनको हम नहीं जानते उनके लिए खैर ख्वी का मामला करना ये मैना रवि है अतदाल पसंदी है इस तरह हमारे जो माशी मामलत हैं इनमें भी हमें एक मैना रवि अतदाल पसंदी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि एक इंसान के पास जिसको अल्लाह ने रिजक दिया है अगर उसने खर्च करना है यहाँ भी उसकी रहनमई की गई है ये नहीं कि वो अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ बांध ले और कुछ खर्च ही ना करे कंजूसी करे इससे मना किया गया है और एक शख्स कि वो सब कुछ ही लुटा दे बाद में खाली हाथ बैठा रहे इससे भी मना किया गया है अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं महसूरा तो इसमें हमें इस बात की तरफ हमारी रहनुमाई की गई है ना कंजूसी की जाए और ना इसराफ किया जाए कि बाद में इंसान दोनों हाथ खाली हा, खाली हाथ बैठ कर और दूसरों की तरफ़ देखे या भीख मांगे इसी तरह अल्लाह इज़्ज़त ने कुरान पाक में ईमान वालों की एक सिर्फ़ बयान की है कि जब वो ख़र्च करते हैं तो वो ना ज़्यादा खर्च करते हैं ना कम खर्च करते हैं और हमारे माशरे में ये भी है कि हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम ऐसे लोगों की तरफ देखते हैं कि जिनके जो हम इनकम जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है ऐसे हम लोगों को देखते हैं तो फिर वो क्या करते हैं अपना लाइफ स्टैंडर्ड उनके मुताबिक वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जिससे मुश्किल पैदा होती हैं अगर वो म्यााना रवी को तैयार कर लें अपनी आमदन इनकम को एक बजट की सूरत देकर और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे उनमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी और ये म्याा रवि खुशहाल